नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर रखा। वह बार बार अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष गए, लेकिन इसे अनसुना किया, जिसका उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। 27 अक्टूबर 1999 को भाजपा सरकार द्वारा निगमों पेंशन की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आते ही पेंशन की अधिसूचना को रद्द कर दिया। 1999 से 2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए 6730 कॉर्पोरेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। उनके पदाधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले हैं, लेकिन उन्हें 1.5 महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्हें तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए। वह हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जल्द ही उनकी समिति बैठक करेगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। जो गवर्नमेंट की फिगर है उसके अनुसार मैंने आपको डिटेल बता दी, उसमें 700 के आसपास पेंशन मिल रही है। जो निर्णयों में जो नोटिफिकेशन मैंने करवाई थी, पेंशन मैंने करवाई थी, उसके बाद 500-600 के आसपास है जो अभी जॉब में है, और 600-700 के आसपास जो है वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि यदि सरकार पेंशन हमारे को देगी, हम अपने पैसे पेंशन मांग रहे हैं, हम सरकार से कुछ नहीं लेंगे। 858 करोड़ रुपया हमारी फिगर नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने RPFC शिमला को लिखा था कि आप डिटेल दे के पैसा कितना है वहाँ पर, तो उसमें 858 करोड़ रुपया हमारा वहाँ पड़ा हुआ है। वो कॉर्पस फंड बनेगा उसमें जाएगा। हमारा सरकार से, वर्तमान मुख्यमंत्री से आग्रह ये भी है कि कॉर्पस फंड गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट होगी। हमारी पेंशन, जो पेंशन मिल रही है वो एज पर गवर्नमेंट होगी, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं होगा। जैसे औरों को मिल रही है उसी के आधार पर हमको मिलनी चाहिए। थोड़ा सा इनके यहाँ कंधे के पास खाते रहे पूरे 5 साल तक, लेकिन पूरे 5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री भाई जितनी बारी गए उतने हमारे प्रतिनिधि उन्होंने बेइज्जती की। लास्ट में भी जब हमने उनको कहा कि आप जो डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, जिस सरकार को चाहे उसको हटा, लगभग 700 लोग पेंशन ले रहे हैं, 600 के आसपास कर्मचारी हमारे बीच में नहीं है। जो तक वर्तमान सरकार के पास कुछ हमारे नुमाइंदे गए थे कुछ डिस्ट्रिक्ट शिमला के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। कॉर्पोरेट डायरी कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको फुल सहयोग की। लास्ट में भी जब हमने उनको कहा कि आप जो डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, जिस सरकार को चाहे उसको हटा, लगभग 700 लोग पेंशन ले रहे हैं, 600 के आसपास कर्मचारी हमारे बीच में नहीं है। जो तक वर्तमान सरकार के पास कुछ हमारे नुमाइंदे गए थे कुछ डिस्ट्रिक्ट शिमला के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। कॉर्पोरेट डायरी कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको फुल सहयोग। टोटल लोग जो 6730 लोग हैं। इस मामले को हमने बार बार पूर्व मुख्यमंत्री के पास उठाते रहे पूरे 5 साल तक, लेकिन पूरे 5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे को बेवकूफ़ रखा बनाया हुआ, झूठ बोलते रहे, और यहाँ तक ही पता चला हमारे को कि बाद के कैबिनेट मंत्री को ये कहा गया कि पेंशन का मुद्दा कैबिनेट में नहीं डिस्कस करना है। हमें बड़ा खेद है कि मुख्यमंत्री हमारे को बाहर कुछ बोलते रहे, अंदर कुछ बोलते रहे। लास्ट में भी जब हम उनसे मिले तब भी उनको हमने मैंने आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी, 6730 लोगों का मामला है, आपने इन्फॉर्मेशन RPFC से, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से मंगाई है, वो 858 करोड़ रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र होना है, जिस पर हमें पेंशन मिलनी है। वो लगभग अगले नेक्स्ट 2-3 साल के लिए सफिशेंट होगा और आपको जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना भी जहमत नहीं उठाई, जितनी बारी गए उतने हमारे प्रतिनिधि को उन्होंने बेइज्जती की। लास्ट में भी जब हमने उनको कहा कि आप इसको कर जाएंगे तो आप रिपीट कर जाएंगे, कर्मचारी हिमाचल जो है कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और कर्मचारी आपसे बहुत नाराज है, उन्होंने नहीं सुनी बात। उन्होंने इतना तक कहा हमें कि 2% इम्प्लाइज है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आपको पता ही है कि 0.09% तो गिन रहे हैं कि हम हारे हैं। इनको सबक है, उनको याद रखना चाहिए कि हिमाचल का कर्मचारी जो है वो जो डिसीजन लेता है
उस पर इम्प्लीमेंट करता है, जिस सरकार को चाहे उसको हटा सकता है, जिसको चाहे बढ़ा सकता है। इन्होंने ये कहा कि 2% कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इन्होंने अपनी गणना की। दिक्कत ये है कि पॉजिटिव सोच हो तो 6,730 लोग कुछ भी नहीं है हमारा, हमने तो गवर्नमेंट से पैसा लेना ही नहीं है गवर्नमेंट से। 858 करोड़ रुपया जो RPF से अभी हमने नवंबर में जो फिगर मांगी थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट चिट्ठी लिखी थी उनको, उस पर 858 करोड़ रुपया ट्रांसफर होना था और हम लोगों को 6,730 लोगों को पेंशन मिलनी थी। 600 के आसपास कर्मचारी हमारे बीच में नहीं है जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और कोई 600-700 के आसपास जब भी जॉब में है उनका पैसा उस फंड में जा रहा है और वो बढ़ ही रहा है, डबल हो रहा है। अभी तक वर्तमान सरकार के पास कुछ हमारे नुमाइंदे गए थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुछ लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उनसे उन्होंने कहा कि 1.5 महीने बाद मेरे से बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरी कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको फुल सहयोग करेगी, जिस जहाँ भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे, लेकिन 1.5 महीने हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 70% लोग जो है वो 70 और 75 साल से ऊपर के हैं और हर साल 2 और 3, 5 और 6 के बीच में एवरेज है जो जिनकी डेथ हो रही है। हमारे से तुरंत वार्ता की जाए, जैसा कि आपने विधानसभा में कहा था, आपके शब्द हैं, क्लर्क को दूंगा, सुपरिटेंडेंट को दूंगा, सभी बोर्ड कॉर्पोरेशन दूंगा, सभी निगमों को बोर्डों को देंगे। हम तो बोलते हैं सभी का बात छोड़ दीजिए आप, अभी जो 19-20 बोर्ड कॉर्पोरेशन आइडेंटिफाइड 1999 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत है उनको पेंशन दे आप, जो आगे आपने कुछ सोचना चाहेंगे आप वो आप देते रहें, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वेट करेंगे, अभी स्टेट बॉडी की मीटिंग हम रख रहे हैं, इमीडिएट रख रहे हैं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे और सभी जो मेरे जिले के प्रधान हैं उनसे बातचीत करके मैं उनसे बातचीत करूंगा, उसके बाद जहां जो निर्णय लिया जाएगा कि मीटिंग कहां होनी है, उसमें हमने क्या मैसेज रखना है वो हम रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि आपका मामला अलग है, बिल्कुल ठीक है, हमारा मामला अलग है, NPS OPC से हमें कोई लेना देना नहीं है। NPS 2003 में बंद हुई है और जो हमारी कॉर्पोरेट की पेंशन है 2004 में बंद हुई है और कांग्रेस सरकार ने बंद की है, नड़ीनों में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनके उनकी पेंशन उनकी जो उन्होंने जो ऑर्डर किए थे उसके अनुसार लगभग 700 लोग पेंशन ले रहे हैं और एज पर गवर्नमेंट ले रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी निगमों और बोर्डों के जो HODs हैं उनसे आग्रह है कि जो उसमें DA लगता था आप DA नहीं लगा रहे हैं, उनको DA भी लगाया जाए और ये मामला भी मुख्यमंत्री के पास उठाया जाएगा। इसके साथ साथ जो तीसरा जो विषय है वो है मेडिकल का, कुछ बोर्ड कॉर्पोरेशनों में जो है मेडिकल की सुविधा दी जा रही है और कुछ में नहीं दी जा रही है, और कुछ में जो मिल रही है उसको भी बंद कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अभी आप ये बात सही है कि अभी आप बैठे नहीं हैं, सरकार आपकी बनी नहीं है, हमारा आपको पूर्ण सहयोग रहेगा जब आप सरकार बैठेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा पेंशन का मुद्दा आप अधिकारियों से न पूछे, इसके सारे तरीके हमारे पास हैं, जो भी उनको बाया मीडिया चाहिए होगा कहाँ से पैसा आएगा वो भी हम बताएंगे, अधिकारी उनको बताएंगे नहीं, अधिकारी जाने का रास्ता बताते हैं, जैसे जयराम जी को बताया। कितने कर्म